हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7 में। नूरपुर खालसा इंटर कॉलेज के मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर जिले में 193 करोड़ रुपए की 233 योजनाओं के तोहफे की घोषणा की। डिप्टी सीएम ने भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस और लोकदल लोकसभा में एक साथ आए, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनी। पंद्रह साल बसपा और सपा की सरकार में जो विकास हुआ उससे अधिक 5 वर्ष में हुआ। कहा कि विपक्षी सपना ना देखें, जनता भाजपा की सरकार चाहती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में माफिया और अपराधी या तो भाग गए या भूमिगत हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब बिजनौर चांदपुर मार्ग का नाम ज्योतिबा फूले मार्ग तो बिजनौर नूरपुर मार्ग काशीराम मार्ग के नाम से जाना जाएगा। बिजनौर गेस्ट हाउस को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम दिया गया। यह महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग के मानकर कांसी राम जी के नाम से जाना जाएगा। और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया, धामपुर विधायक अशोक राणा, चांदपुर विधायक कमलेश सैनी, बिजनौर विधायक सुजी चौधरी, नहटौर विधायक ओम कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष शाकेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, राज्य महिला आयोग सदस्य अवनी चौहान, जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आयुष चौहान, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सिंह, भाजपा नेता सीपी सिंह, इंजीनियर कवीश राणा आदि मौजूद रहे।